लड़ाई नहीं है, सत्य को सामने लाना है, हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि विद्यार्थी इतने सालों से परीक्षाओं का इंतजार करते हैं, इतने इतने साल वो अपना लगाते हैं, है ना। और साथ में क्या होता है, बीच में कोई भी आके उनकी व्यथा, उनके, आप ये सोचो बच्चा नहीं पढ़ता है, अकेला बच्चा नहीं तैयारी करता है, तैयारी करता है पूरा परिवार उसका, उसके माँ बाप लगते हैं उस तैयारी में, सुबह उस बच्चे को उठाना, उसको पढ़ाना, उसके सेहत का ध्यान रखना। अकेला आप बता सकते हैं क्या अकेला बच्चा तैयारी करता है परीक्षा की? नहीं। बताइए, आवाज दीजिए, क्या अकेला बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है? नहीं, नहीं करता है। नहीं। कौन करता है साथ में? पूरा परिवार। एक परीक्षा के बाद में बच्चे को जितना इंतजार होता है परीक्षा के परिणाम का, उससे ज्यादा इंतजार होता है उसके परिवार का। उसके परिवार का मनोबल टूटता है जब बच्चा आगे नहीं आता। एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी विकास दिन की तरीके मनाया गया, क्योंकि पिछले 2 घंटों लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है कि मैं आपको अनशन तोड़े, तो अभी कौन सी की बात पर बनना है, ये चीज में एग्री करे गए कि मैं अनशन आपको तोड़े? देखो, ये जितने भी विद्यार्थी हैं इनका मनोबल बड़ा है, ये हमेशा से ऐसे मार्गदर्शन को तरस रहे थे कि हमारे सपोर्ट में हमारी व्यथा को सामने लेके आए, है ना। तो ये विकास जाखड़ ने शुरुआत यहाँ से की है, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा है। विद्यार्थियों, क्या तुम्हारा मनोबल बढ़ा है? मनोबल बढ़ा है तो ये इस मनोबल को आगे रहें, ये चाहते हैं विद्यार्थी, चाहते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल रहें, हमें मार्गदर्शन करते रहें। अगर इनकी व्यवस्था या इनके स्वास्थ्य को कुछ शिकायत होगी या उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो इनके मनोबल को घात होगा विद्यार्थी की ओर। तो इनके स्वास्थ्य के लिए बच्चों ने इसीलिए इनसे आग्रह किया है कि जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ा रहेगा और हमारे मार्गदर्शक बनकर आप हमें आगे मोटिवेट करते रहें। जैसा कि विकास जी ने अनशन तोड़ दिया है, तो अब आगे की क्या रणनीति दिखाई देगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की? देखो, ये सब चीजें जो होती है, विकास ने सब क्या सोचा है क्या नहीं सोचा, ये सब चीजें हमने विद्यार्थियों पे छोड़ रखा है। फिलहाल विद्यार्थियों को अपनी लड़ाई, हमने सिर्फ एक उनको हौसला दिया है, अब इनको खुद को समझना है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम सिर्फ बता सकते हैं, जीपीएस के अंदर भी अगर बंदा जीपीएस देख के भी मार्गदर्शन उल्टा लेता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? मैम, एक चीज और की, जिस तरीके आज पेपर लीक हो रहे हैं शिक्षा संकुल, लेकिन जब बच्ची या महिला या जो एग्जाम देने के लिए जाए तो एग्जाम सेंटर पर बाकू जिस तरीके जांच वगैरह करी जाए, लेकिन परीक्षा सेंटर में तो पेपर आउट को नहीं हो रहा है ना अभी, तो इस पर क्या बोला कि सरकार है जो इस तरीका की? देखो, अपने 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 जो व्यवस्था है ये है, किसी जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं कहीं ना कहीं अव्यवस्था तो होती है। ये हमारा अपनी आत्मा, हमारी अपनी आत्मा अपनी व्यवस्था को, जिसकी ड्यूटी होती है उसको अगर वो बंदा सही मायने से पूरा कर ले तो ना आज हम सबको यहाँ खड़े होने की जरूरत है, ना मेरे भाई को 14 दिन अनशन पे बैठने की जरूरत थी। अगर अपना जिम्मेदारी कोई निभा ले तो आपको लगता है जरूरत थी हम सबको यहाँ खड़े होने की? इंसान अपनी आत्मा से अपने कर्म से साफ और एकदम निष्पक्ष होकर कार्य करे तो आज हमें इन सब जरूरत नहीं है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है, मैं विकास जाखड़ की बड़ी बहन हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।